नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। आज हमारे साथ हैं प्याज के व्यापारी सिकंदर जी। सिकंदर जी, पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आज आप जो प्याज अपने यहाँ आ रही है, वो कहाँ से प्याज आ रही है, और वर्तमान समय में जो नासिक मंडी में हड़ताल की गई है, तो क्या असर पड़ेगा इसका? अभी फिलहाल में जो प्याज चल रही है वो सागर इलाके की प्याज चल रही है। यहाँ पर सागर क्षेत्र में 80 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत प्याज होती है, और वही प्याज अभी अपने क्षेत्र को कवर कर रही है और अच्छी प्याज आ रही है। कलर की लाल रहती है। इससे पहले इंदौर से आ रही थी प्याज, इंदौर में महाराष्ट्र से प्याज आती है, और महाराष्ट्र की प्याज लासलगांव मालेगांव ये प्याज बहुत फेमस प्याज रहती है, बहुत अच्छी है। जो मेरे हाथ में आप प्याज देख रहे हैं, ये मालेगांव की प्याज है महाराष्ट्र की, और इसकी कीमत अभी फिलहाल में 22 रुपए किलो अशोकनगर आके पड़ी थी, लेकिन सागर की प्याज ज्यादा आने की वजह से, पोजिशन डाउन होने की वजह से इसको अभी 20 रुपए भी लेने में ग्राहक झिझक रहा है। इससे इसकी डिमांड कम हो गई है, इस वजह से इंदौर से प्याज आना बंद हो गई है, और अब जितनी भी प्याज आ रही है सब सागर क्षेत्र से, गांव देहातों से आ रही है। ये जो नासिक वाली प्याज आती है, इसकी ये कौन सी वैरायटी की प्याज रहती है? नासिक वाली प्याज में दो किस्में रहती है, गुलाई पत्ती रहती है, एक लाल पत्ती रहती है। लाल पत्ती का बक्कल थोड़ा सा कमजोर रहता है, ज्यादा टिकने में दिक्कत रहती है। भाई जो गुलाई पत्ती जो मेरे हाथ में, ये बहुत मजबूत प्याज होती है, आप इसको 6 महीने 8 महीने भी स्टॉक में रख सकते हैं, और इसी वजह से इसकी रेट ज्यादा रहती है। और जो सागर से बता रहे हो आप, सागर से आ रही है, वो कौन सी रहती है? सागर का की प्याज का जो बीज होता है वो हालांकि ज्यादा दिन तक रुकता नहीं है, आके नहीं सप्लाई होती है और बिकती जाती है। ज्यादा ज्यादा आप 8 दिन 15 दिन का स्टॉक कर सकते हैं। कुछ लोग हालांकि सागर के लोग करते भी हैं स्टॉक 2-2, 4-4 महीने का, लेकिन उसमें वो खूबसूरती और सफाई नहीं रहती जो महाराष्ट्र की प्याज में रहती है मजबूत। अच्छा, तो मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में, महाराष्ट्र जो नासिक में हड़ताल का असर यहाँ पे कुछ दिखाई देगा या नहीं देगा? महाराष्ट्र में वो अभी बीच में सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया था किसानों से कि 31 मार्च से जो है निर्यात खुल जाएगा, जिससे जो किसानों के को भाव नहीं मिल पा रहा है महाराष्ट्र वालों को, उनको अच्छे भाव मिलने लगेंगे। लेकिन चुनाव, चूंकि चुनाव नजदीक है, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई भी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि जैसे ही निर्यात खुल जाएगा तो थोड़ी तेजी आ जाएगी, और तेजी का असर पूरा पूरा राजनीति पे पड़ता है, इसलिए से सरकार कतई नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने वो अपना जो स्टैंडमेंट दिया था वहाँ के अधिकारी ने, उसको फिलहाल में पेंडिंग में रख दिया। उन्होंने कहा कि आ गया, सोचेंगे निर्यात खुलने की, अभी फिलहाल में निर्यात अपने यहाँ पर इसका असर कुछ रह सकता है या नहीं रहेगा, लोकल प्याज से पूर्ति हो जाएगी? अपना अपनी छोटी मंडी है, हालांकि यहाँ ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तो ऐसा है, जैसा भी माल आता है जिस तरह का आता है उस हिसाब से बिकता है, और इसका असर बड़ी मंडियों में जहाँ पे ज्यादा सप्लाई होती है वहाँ पे ज्यादा असर रहता है इसका। फिलहाल में यहाँ कोई ज्यादा असर नहीं होता, यहाँ पर जैसा आएगा वैसा बिकेगा, 20 होगा तो 20 बिकेगा, 25 होगी 25 होगी, 15 होगी 15 बिकेगी। अभी फिलहाल की पोजिशन में महाराष्ट्र की प्याज 20 रुपए से नीचे पड़ता नहीं खा रही यहाँ पे, और सागर की प्याज अभी 15 और 16 रुपए किलो बिक रही, अच्छी वाली हल्की प्याज बिक रही 13-14 रुपए किलो। और आगामी समय में क्या कहना है आपका, क्या दाम रह सकते हैं, बढ़ेंगे घटेंगे, क्या स्थिति जो समीकरण किसानों के द्वारा और जो देखे जा रहे हैं उससे, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि प्याज के किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, और ज्यादा पिटेगी नहीं प्याज, और अपने इधर की जो लोकल प्याज भी चलेगी वो भी अच्छे दाम अच्छे पैसे देगी किसानों के लिए, ज्यादा गिर के नहीं बिकेगी। लगभग कितनी बढ़ने की उम्मीद है, कितनी दाम बढ़ सकते हैं? अभी फिलहाल में एक डेढ़ महीने तो जो चालू होगी अपने इधर की लोकल प्याज, तो वो 15-16 ज्यादा अधिकतम 20 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इसके बाद जैसे ही दिवाली के आसपास जो टाइम आता है, इस टाइम पूरी फुल पक जाती है प्याज और स्टॉक भी कम हो जाते हैं, उस टाइम पे ऐसा अंदेशा रहता है कि 25-30-40 भी बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है प्याज, मतलब उस टाइम बिक सकती है, अभी काफी लंबा समय है उसके। अभी तो 2-3 महीने ज्यादा भाव बढ़ाएंगे नहीं, 20 के आसपास 2-5 रुपए ऊपर या नीचे चलते रहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।